बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल एंड टिश्यूज़। सेल के बारे में थोड़ा सा हम ज़रा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों हमें मालूम है कि ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, के तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने होते हैं। अब ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ सेल किसी भी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के सेल्स मुख्तलिफ शेप और साइज़ के हो सकते हैं, मगर सेल का स्ट्रक्चर आलमोस्ट एक जैसा ही होता है। तो सबसे पहला हमारे पास इसमें टॉपिक आ जाता है हिस्टोरिकल टाइम लाइन ऑफ सेल थ्योरी, के सेल के बारे में किस साइंटिस्ट ने क्या क्या वर्कआउट किया, उसे हम कहेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? द साइंटिफिक थ्योरी विच डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल थ्योरी। कैसी साइंटिफिक थ्योरी जो कि हमें सेल के बारे में डिटेल से बताती है, उसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने क्या क्या वर्कआउट किया वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने पीछे भी पढ़ा था एरिस्टॉल। एरिस्टॉल को हम फादर ऑफ साइंस कहते हैं या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। हमने ये पीछे भी पढ़ा था कि एरिस्टॉल वो पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने तमाम ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्लांटी एंड एनिमल्स। उसके बाद हमारे पास 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया कि ही कट द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। इन्होंने कॉर्क का एक थिन स्लाइस को कट ऑफ किया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऑब्जर्व किया तो उनको स्मॉल टिनी चैम्बर्स नजर आए। इस तरह से एम्प्टी लिटल चैम्बर्स नजर आए। उन्होंने इस चैम्बर्स को नाम दे दिया सेल्यूलिका। बाद में यही नाम चेंज होकर सेल बन गया। उसके बाद 1835 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, ही डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे एम जे श्लीडन। श्लीडन्स ने जब तमाम प्लांट्स को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि तमाम प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, के जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। 1839 में जर्मन जोलॉजिस्ट थे टी शिवॉन। शिवॉन ने जब एनिमल्स को ऑब्जर्व किया उनके बॉडी को तो उन्होंने देखा कि लाइक प्लांट्स ऑल द एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल, के प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी सेल से मिलके बने होते हैं। इन्होंने दूसरी डिस्कवरी क्या की कि इन्होंने देखा कि जो एनिमल सेल की जो आउटर वॉल है वो थिन होती है, जबकि प्लांट सेल की जो आउटर है उसके बाहर एक थिक सेल वॉल मौजूद होती है। श्लीडन और शिवॉन दोनों ने मिलकर जो है सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी क्या है वो भी हम देखते हैं। उसके बाद 1862 में लुईस पाश्चर, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नए सेल्स बॉडी में आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की ही डिवीजन से बनते हैं, यानी कि नए सेल पुराने सेल के डिवीजन से ही बनेंगे। जी, तो श्लीडर और शिवॉन ने जो सेल थ्योरी पेश की थी उसके फोर मेन पॉइंट्स ये थे। नंबर वन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम सेल से बने होते हैं। नंबर टू, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स सेल कहलाती है। नंबर थर्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, के नए सेल पुराने सेल से ही बनते हैं। नंबर फोर, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल होती है। ये तो थी हमारे पास सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स। अब छोटा सा हमारे पास टॉपिक है एक सेलुलर पार्टिकल्स का। ये सेलुलर पार्टिकल्स क्या होते हैं कि हमें पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, मगर हमारे पास स्टिल बहुत ज़्यादा ऐसी लिविंग बॉडीज हैं जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रखती। जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं वायरसेस एंड प्रियॉन्स। वायरसेस का स्ट्रक्चर हमने पीछे पढ़ा है। वायरसेस क्या होते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। और प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन्स एक ऐसी लिविंग बॉडीज हैं जो कि सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं।
अब इनके इनका हम इस सेलुलर पार्टिकल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई बाकायदा सेल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। अब ये जो लिविंग बॉडीज है, ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक्स रखती है। नॉन लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स कैसे रखती हैं कि इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं, मगर इनको हम लिविंग उसमें ऑर्गेनिजम्स के उसमें किस तरह डालते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास वायरसेस है, वायरस जो है ये अपनी बॉडी को इंक्रीज यानी कि ये अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, ये अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं और अपनी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वजह से हम इनको लिविंग थिंग्स में भी शामिल करते हैं। तो ये हमारे पास ए सेलुलर पार्टिकल्स था। आई होप सो कि आपको सेल थ्योरी समझ आ गई होगी। समझ आ गई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से सेल स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।